कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब आदमी आदमी के साथ रहता था। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और मतलब है, आदमी अपने दोस्तों के साथ रहता था, सारा दिन वह एक साथ खाते पीते, उठते बैठते, हंसते हंसते अपनी जिंदगी काट रहे थे, बिल्कुल अपनी मर्जी से, बेफिक्री के साथ। और देखिए देखिए उधर देवलोक में क्या सीन हो रहा था। करते हैं हमारे साथ नारद मुनि, आज हमारी यह अवस्था हो गई है
कि आप भी हम पर हंस रहे हैं, हमारी अफसरान ने तो वैसे ही ले रखी है आजकल। ओहो प्रभु, अत्यंत परेशानी में लग रहे हो देवों के देव। हाँ नारद मुनि, हम बड़े परेशानी में हैं, हमारी अफसराएं हमसे रूठी भी हैं। हम एक को समझाने जाते हैं, दूसरी रूठ जाती है, दूसरी से बात करने जाते हैं, तीसरी रूठ जाती है। प्रभु कहीं आपकी तो कोई गलती नहीं? सच सच बताइए प्रभु। नारद मुनि, हमारी ये गलती कैसे हो सकती है? अब आप ही बताइए। हम अपनी अप्सराओं से बात करने जाते हैं और हमारी अप्सराएं हमेशा हमसे यही कहती रहती हैं, प्रभु हमेशा सच का साथ देना, कभी झूठ का सहारा मत लेना। अब आज उर्वशी ने हमसे पूछ लिया कि स्वामी आपको इस देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा कौन सी लगती है, और हमने सच सच जवाब दे दिया। बस उसी पे सभी की सभी रूठ पड़ी, हम पे चिल्लाने लगी, हमें कोसने लगी। नारद मुनि, आज तो हद हो गई है, किसी ने हमसे अमृत तो छोड़िए जल तक नहीं पूछा है। ओहो प्रभु, गौर अन्याय हुआ है आपके साथ। लेकिन एक बात बताइए, आपके विचार में देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा कौन है? मेनका। अरे कुछ देर पहले तो आप रंभा देवी की तारीफ कर रहे थे। नहीं नहीं, रंभा में रंभा आपस में, ये लोग खुश हैं क्योंकि सारे के सारे ब्रह्मचारी हैं। ओह प्रभु, इनकी हंसी तुम्हारी शरीर में कांटों की तरह चुभ रही है ना? वो तो है नारद मुनि। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? नहीं नारद मुनि, कोई कोमल हाथ नहीं उंगली उठाने के लिए, कोई सुरीली आवाज नहीं डांटने के लिए। आप सही कह रहे हैं। लंबे घने बाल नहीं जिनके झटकने दे मन में खौफ पैदा हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद जी। नहीं प्रभु, गलत गलत। आपने कितने चाव से इन अप्सराओं की सृष्टि करी थी और आप इन्हीं को कोस रहे हो, इन्हीं को डांट रहे हो। ये सब देवलोक में हो रहा होगा प्रभु, तो हमारा ये विचार है कि अगर आप स्त्री वर्ग को पृथ्वी लोक में भेज देंगे तो ये कतई नहीं होगा। नहीं नारद मुनि, आपको एक गलत ख्याल है कि हम अपनी अप्सराओं और देवियों को कोस रहे हैं। हम तो केवल उलझ जाते हैं उनकी बातचीत में, वो कहती क्या है और हमसे क्या चाहती है हम इसमें समझ नहीं पाते हैं, और इसी बीच में हमारा शुरू हो जाता है द्वंद्वयुग। प्रभु इस उम्र में भूलने की आदत हो जाती है। क्या मतलब है नारद? क्षमा, मेरा मतलब है कि आप इतना सारा कुछ संभालते हो तो शायद आप भूल गए कि स्त्रीवर कैसी होती है, वो कुछ कैसे रहती है, वो दुखी क्यों होती है। नहीं नारद मुनि, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें गुस्सा क्यों आता है? अच्छा, सही फरमाया प्रभु। प्रभु क्यों ना हम देवलोक के टॉप डिजाइनर स्त्री जी से अप्सराओं के वस्तु बनाने वाला फॉर्मूला देखें और फिर से आपकी याददाश्त ताजी हो जाएगी। गुड आइडिया नारद मुनि, उसके बाद तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि अगर हमने स्त्री वर्ग को उधर पृथ्वी लोक में भेजा तो वहां पर भी यही कहानी शुरू हो जाएगी। नारायण नारायण। नो प्रभु, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू। ठीक है नारद मुनि, अब आपको यकीन दिलाने के लिए स्त्री वर्ग को वहां पे भेज देते हैं। हाँ प्रभु जी, ठीक है, वो फॉर्मूला आप अपनी दिव्य शक्ति से मंगवाइए। जो आ गया प्रभु। ये रहा फॉर्मूला प्रभु, ये रहा फॉर्मूला। आइए दिखाइए। ये रहा। वाह क्या बात है, पढ़िए आप। जी प्रभु। प्रभु प्रभु, बहुत लज्जा आ रही है प्रभु। क्यों ना, क्योंकि मैं जरा ब्रह्मचारी, क्यों ना आप ही पढ़िए प्रभु। लाइए दीजिए नारद मुनि, ऐसा क्या लिखा है इसमें? अति सुंदर, अति सुंदर। शुरुआत करते हैं नारद मुनि रंग रूप से। चेहरा बिल्कुल चांद सा, अमावस की रात की तरह लंबे काले बाल और लटाओं और बेलों सा घुमावदार। वाह, बाहें मानो रेशम की उन धागों की तरह जो कस के पकड़ने वाली हो,
और पकड़ ले तो आए शरीर को एक कंपन, जैसे हल्की सी हवा में हरी नहीं घास, अति सुंदर। नारद मुनि आप ठीक तो हैं? जी प्रभु, थोड़ी सर्दी लगी है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़िए प्रभु, आगे बढ़िए। रूप ऐसा एक कामुकी का, जैसे दुनिया के सबसे अनोखे फूलों से बना हुआ गुलदस्ता, जिसमें हर एक फूल बस खिली रहा हो, अति सुंदर। मानिक से ले लो होंठों की लाली। कैसे प्रभु? मानिक रूपी, माथे की चमक कुंदन से, दांतों की दमक मोती से, होंठों की बनावट लो गुलाब की पंखड़ियों से, जिन पर ओस की बूंद टपक रही है आहिस्ता आहिस्ता, अति सुंदर अति सुंदर वो अति सुंदर। चाल पत्तियों से भी हल्की और पक्षियों से तेज, एकदम लगे मृगनेनी, वाह प्रभु। जिसके चेहरे पर तेज सूरज की किरणों की हो, और हवाओं से लो उसकी चंचलता, तो स्त्री भी तो बिल्कुल जीनियस निकले। जी प्रभु, आगे बढ़ते हैं नारद मुनि। हाँ प्रभु। खरगोश का शर्मिला पर, आवाज में मधु की मिठास, बोले तो लगे कि कोकिल कर रही हो, पिघलते हुए मोम की लड़ी की तरह हैं उसके आंसू, अति सुंदर। प्रभु ये कविता तो नहीं, क्या ये फॉर्मूला है? ये कविता से भी सुंदर फॉर्मूला है। वाह, अदाएं ऐसी कि बुलाओ तो भाग जाए, और ना मिलो तो मिलने के बहाने ढूंढे, निगाह से बुलाना और सुबह से कोसना, बेवजह के मजाक करो और मजे लो उसकी झूठी शिकायतों का। वाह, लेकिन याद रखिएगा नारद मुनि, अगर उसके मुंह, बस मुंह ना लगना उसे, अगर मुंह ना लगो तो वो गले का हार बन जाएगी। स्वामी, स्वामी, ये तो रंभा देवी आ गई। नारद मुनि, हम थोड़ी देर जरा घूम कर के आते हैं। अवश्य अवश्य, हम बाद में करेंगे। स्वामी, और हम कहते हैं रंभा देवी को, क्या यही कि आप नहीं थे? हाँ हाँ ठीक है। नारद मुनि, क्या आप ही हैं वहाँ पे? हाँ रंभा देवी, हम ही हैं। तो आपने प्रभु को देखा? हाँ बिल्कुल, वो यहीं पे थे। अच्छा, तो मेरी पुकार नहीं सुनाई दी उनको? बिल्कुल सुनाई दी। क्या, कहाँ पे है वो? प्रभु, स्वामी, प्रभु। अरे प्रभु, आप व्यायाम करके आ रहे हैं क्या? आप जैसे अगर हमारे शुभचिंतक होने लगे ना नारद मुनि, तो हमारी तो काया ही पलट जाएगी। अरे वो छोड़िए, वो छोड़िए प्रभु, देखिए पृथ्वीलोक के वासी कितना खुश है। नारद मुनि ने सही फरमाया, ग्रस्त जीवन पाकर आदमी बहुत ही बेपरवाह जिंदगी और छोड़कर अच्छा व्यक्ति और जिम्मेदार पुरुष बन गया। सब कुछ कितना सुंदर, कितना साफ हो गया। डार्लिंग, ओ डार्लिंग, ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन, सुनो, आतिक्य खंडाला। क्या क्या हुआ आपको? अरे डार्लिंग, तो कुछ नहीं डार्लिंग, तो तुम्हारे लिए रोमांटिक गाना सुनाता ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, खूबसूरत हो तुम गदल, कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम ही हम। पता, जब आप गाती हो ना तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती है, और मन करता है मैं बस आप ही को सुनती रहूं। अरे डार्लिंग, वो तो पापा ने कैरियर पे ध्यान देने का प्रेशर डाल दिया, वरना लोगों का तो ये कहना था कि बेटा मानव, तू एक दिन महान सिंगर बनेगा। वाओ, पापा जी के लिए आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। I'm so proud of you। नहीं डार्लिंग, I am proud of you। तुम मेरे बारे में, मेरे पापा के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, सबके बारे में कितना सोचती हो। सच में तुम मिले प्यार से मेरा जीना गवारा हुआ, तुम मिले क्या मुझे, मैं
मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। नहीं नहीं नहीं, बल्कि जब से आप मिले हो ना, मेरी बेरंग जिंदगी में रंग ही रंग भर गए हैं। सच? और चारों तरफ सुर ही सुर बिखर गए हैं। I love you, I really love you darling. I love you so much. तुम मेरे दिल की एक एक धड़कन को कितना समझती हो darling. सोचता हूँ तो कितनी अच्छी अच्छी आइडियाज आते हैं माइंड में। अच्छा सुनो बेबी,
ही सर चले हैं, क्यों ना हम दोनों गोवा चले, वहां जाकर बीच पे लेकर मुझे अपनी बाहों में लेकर पीना कोलाडा पीते हुए। तो तुम देखो तुम्हें कितने अच्छे अच्छे रोमांटिक स्टोरीज के आइडियाज मिलेंगे, और ये क्राइम स्टोरीज ना तुम इतना बिल्कुल भूल जाओगे। चलो आइडिया में तो दम है, चलो ओके डन बेबी डन। अभी देखना तुम मेरे सारे आइडिया को। वाह वाह प्रभु, सब कुछ कितना सुहाना लग रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। मैं ना कहता था प्रभु, ये पृथ्वी लोक के वासी तो पहले से भी ज्यादा खुश है। नहीं नारद मुनि, वो तो फॉर्मूला खत्म होने से पहले ही रंभा देवी आ गई थी और हमको भागना पड़ गया था। अच्छा प्रभु, मैं बहुत उत्सुक हूँ आगे की जानने के लिए। फॉर्मूला प्रभु, आई एम श्योर वो पहले से अच्छा होगा। नहीं यार नहीं। नारद मुनि एक काम करिए, ये फॉर्मूला आप ही पढ़िए आगे वाला। ठीक है प्रभु। वाह स्वस्त्री जी कहते हैं कि सारे खूबसूरत रंग इस पॉइंट पर खत्म हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें अब फोकस करना है स्त्री वर्ग की पर्सनालिटी पर। ओ गॉड, तो स्वामी आप ही तो गॉड हैं। अरे यही तो रोना है। पढ़िए पढ़िए। सुनिए प्रभु, स्त्री जी लिखते हैं स्त्री वर्ग की पर्सनालिटी के बारे में कि मोर से घमंड ले लो, रोए तो बस भरकर ऋतु की बौछार सा। कम लिखा है उन्होंने। मगरूर और कठोर, कभी वो करो जो उसे अच्छा ना लगे तो पाओ उसके दिल को बर्फ से भी ठंडा। और गौरैया पक्षी को कभी चपर चपर करते हुए देखा है? कानों में दर्द हो जाता है नारद मुनि। बस ऐसा ही हाल होगा अगर स्त्री वर्ग आपसे नाराज होकर कुछ बोलना चाहे। पत्थर से संदीली, कैसी सा तेज जबान। बाप रे नारायण नारायण, तोते की तरह आके फेरना, उसके अटकेलियों से बच कर रहना, क्योंकि ये उस बिल्ली की बच्चे की तरह है जिसको मौके के अनुसार नाखून छिपाना और निकालना दोनों आता है। कुदरती चुस्पुट इस स्तंगर को अपने बच्चों के हिफाजत शेरनी की तरह करते हुए पाओ। लेकिन जहां बात आती है अपने पति की, सावधान कि अगर आपको रंगे हाथ पकड़ लिया तो दिखेगी उसमें साक्षात बांस की क्रूरता। प्रभु अनर्थ, स्वामी अनर्थ, क्या सुंदर दृश्य बना था और क्या हो गया। नारद मुनि अभी तो कहानी में ट्विस्ट आया है, अब देखिए क्या होता है आगे। देखा सब कुछ कितना परफेक्ट था, बस एक बहुत बड़ी कमी थी, आदमी का आदमी के साथ एंजॉय करने का टाइम नहीं था। यहीं पर होती है एक चेंज, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट, वो एक लम्हा जब इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है और अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने के लिए झूठ बोलने का सहारा लेता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या है ना, आज मम्मी के घर जाना है। मम्मी के घर? लेकिन क्यों डाले? अरे मम्मी ने आपके लिए स्वामी नारायण का पाठ रखा। स्वामी नारायण का पाठ तो उन्होंने पिछले महीने भी रखा था। अरे डालेंगे, आप उनके इकलौते दामाद हो और वो ये सब कितने मन से आपके लिए करती है। हाँ डार्लिंग, लेकिन मैंने ना आज वो आदम और इंसान के साथ प्लान बना लिया था। सारे हफ्ते हम काम करते हैं, कुल मिलाके एक वीकेंड मिलता है और वहाँ भी आप अपने प्लान्स बना लेते हैं, और इन लोगों के साथ तो अपनी सारी जिंदगी प्लान बनाया है। अब कुछ टाइम हमें भी दे दीजिए। कितने साल हो गए हमारी शादी के, और इतने सालों में मैं कितने कम बार अपने दोस्तों से मिल पाया हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। डार्लिंग, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या हुआ? ओह माय गॉड, जरूर गैस बन गई होगी, मैं पुदीना हरा लेके आती हूँ। डार्लिंग पेट में नहीं, पेट में नहीं, नहीं पेट में, अरे नहीं नहीं यहाँ, बहुत दर्द है। बैठिए बैठिए, लगता है आपको तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ हाँ बहुत तकलीफ है। मैं ना मम्मी को फोन करके आज का प्लान
मंदिर की पूजा रखा है, क्यों उनकी पूजा खराब करती हो? तुम जाओ नानी, कुछ नहीं होगा। आई एम ओके। एक्चुअली आज मेरी किट्टी भी थी, पर मैं आपको ऐसे हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं डाली, तुम जाओ, दवाइयां है ना, दर्द ये मैं सहलूंगा। डोंट वरी, आई एम श्योर डार्लिंग, डोंट वरी। देखो जाने का मन तो नहीं है, पर आप कहती हो तो मैं चली जाती हूँ, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल डार्लिंग। और अगर ज्यादा तकलीफ हो ना तो मुझे फोन करिए, मम्मी का फोन टेक केयर डार्लिंग। हां मम्मी बस आ रही हूं। हां मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, आ रही हूं बस आ रही हूं। ओए आदम सुन, हाँ यार मेरी वाली गई, तू भी सेटिंग कर ले कुछ। हाँ अरे बीमारी का बहाना मारा यार, और क्या। सुन मैच देखेगा? अरे दारू लेके मैं आ रहा हूँ, चल आ रहा हूँ। हाँ ओके यस। मुंबई से आया मेरा दोस्त। सोचे जा रहा हूं घर में, ऑफिस में, लेकिन दिमाग से बात ही नहीं निकल रही है कि इंडिया दूसरा टेस्ट कैसे हार गया यार। यार ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अरे दोस्तों का मिलने का वक्त हो गया है, इसको कैसे पटाऊं? सुनो बोलो जान। जान मैं सोच रही थी आज वो किटी पार्टी है ना, तो क्या मैं होकर आऊं? किटी? हाँ होकर ऑफ कोर्स यू शुड गो। आर यू ओके? आई एम ओके, ऑफ कोर्स आई एम ओके। आर यू श्योर जान? यस जान। ओके यू टेक केयर। ओके बाय। आदम हाँ यार अभी तो गई है यार। अरे हाँ यार, अच्छा तो यार चिकन तो मैं ले आऊंगा, तो अंकल जी से ना कुल्फी पक्का ले आना। चलो मिलकर डिस्कस करते हैं यार, इंडिया टेस्ट कैसे हारा यार। चलो खरीदोगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो गलती मेरी है और नहीं तो क्या? क्या? I mean, नहीं बेबी, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो फिर तैयार हो जाओ। नहीं बेबी। तो मुझे मना कर रहे हो? देखो बेबी अपनी आंखें ऐसे गोल गोल मत करो, मैं क्या बेचारा टॉमी भी डर जाता है। टॉमी की फिक्र ना तुम मत करो, तुम चलो लेट्स गो। अरे बेबी मेरे को याद आया, आज तो टॉमी को वेट के पास लेके जाना है ना, वो इंजेक्शन वॉमिटिंग फॉलोअप के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो अगले हफ्ते था। एब्सोल्युटली नेक्स्ट वीक भी लेके जाना पड़ेगा, बस डोंट
worry, I'll take care of everything. No problem. You carry on with your plans. I'm there, na. मैं कुछ बना लूंगा बेबी, डोंट वरी. आर यू श्योर? हाँ हाँ, अभी तुम जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना. हाँ इंसान, हाँ मानव, शी इज गॉन ब्रो. हाँ हाँ, कुल्फी मैं ले आऊंगा, कांगो चिकन का इंतजाम कर लो. पहले मैं टॉमी का जरा इंतजाम कर लूँ यार. हाँ मुझे कुत्ते का खाना बनाना आता है, तू खाएगा? चुप कर, जल्दी पहुंचो तुम लोग. ओए आदम, ओए आदम, कहाँ है बे? वो इंसान, मेरी बीवी पूजा से निकली है लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसी है. कितनी होने में टाइम रह गया? अरे इनकी किडनी तो डेड हो गई. अरे बहुत ही टाइम है यार, मजा आ गया यार. सही है. अरे अरे सॉरी बेबी. अरे यार अबे आदम, तूने मुझे बेबी कहा? अरे समझा करो यार, आदत पड़ गई. उसके गुस्सा होने से पहले ही सॉरी बोल के खत्म करो ना, रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी. अरे मेरे आइंस्टाइन, क्या आइडिया है यार. जियो मेरे नाम, ऐसे आइडिया मुझे क्यों नहीं आते यार. हाँ यार, मतलब पहले डांट खा लो, फिर जो गलती करनी है करते रहो. टू गुड. क्या यार, फिर खुद आ रहा है तुम्हारा? नहा क्यों नहीं लेता जाके? अरे यार सुन, तेरी बीबी भी ना कुछ मेरी बीबी से कह रही थी. अभी क्या कह रही है तेरी बीबी मेरी बीबी से? क्या कह रही बता. अरे वही यार, तू घर पे टाइम पे नहीं आता और वगैरह वगैरह. यार देख, टेंशन तो बहुत है, लेकिन टेंशन पता है हमें, टेंशन हमारी बीवियों की वजह से नहीं है, नहीं पत्नियों की वजह से नहीं है टेंशन. हमें टेंशन इसलिए है कि हमारी सेल्फ एक्सपेक्टेशन बहुत है. हम ये सोचते हैं कि हम अपनी बीवियों को खुश कर देंगे, ये टेंशन की वजह है. यार सारा दिन तो उसके साथ ही रहता हूँ, फिर भी उसकी शिकायत रहती है कि आप मेरे साथ टाइम नहीं गुजारते, टाइम नहीं गुजारते, टाइम नहीं गुजारते. I swear, कैसी जिंदगी हो गई है ना हमारी, हर चीज में रोक टोक यार, हर चीज में रोक टोक. हाँ यार, दोस्तों को मिलने का वक्त ही नहीं मिलता है. अरे ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे पहनो, वो करो. बस करो यार, बस करो. कहने को बहुत कुछ है मगर किस से कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहे हम. जी करता है कि दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, ये दीवार जो हम तीनों के बीच में है आज गिरा दे. डायलॉग मारना बंद कर ब्रो, जो मांगना है ना सीधा भगवान से. हाँ यार भगवान से मांगो. हाँ यार भगवान से मांगो यार. हे भगवान लौटा दो हमारे वो कॉलेज वाले दिन, हे भगवान लौटा दो हमारे वो आजादी. हे ईश्वर हटा लो वो सारी बंदिशें. भगवान बंदिशें, बंदिशों के बारे में मुझसे पूछो. FM रेडियो भी ना चार पांच गानों के बाद एक ब्रेक ले लेता है, पर जो आप गाना शुरू करते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते. और आज मैं बता देती हूँ सबको, जेंट्स की आवाज तो ठीक है, जब लेडीज की आवाज में गाती हूँ तो पता कैसे सुनाई देती हो. क्या सोच लिया था मैंने? हाँ तुम तो यहाँ आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के छिखरे दारू और मौज मस्ती कर रहे हो. क्या कहा था मुझसे? डाले टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो. देख लिया मैंने सब. और वो जो तुम्हारा फेवरेट टीवी सीरियल है ना, क्या नाम है उसका? सास भी करता हूँ. मैं भी ना अपनी मॉम के पास जा रही हूँ, और ये जो टीवी
का सच इन्होंने भी पी ही लिया। नारायण नारायण, कौन सा कड़वा सच प्रभु? मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या। आप ठहरे ब्रह्मचारी, आप नहीं समझ पाएंगे। सोच रहा हूँ नारद मुनि, आपकी जिंदगी में भी कुछ रंग डाल ही दूं अब मैं। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत करिए। मैं तो कंफ्यूज ही हो गया प्रभु। सब कुछ कितना कुशल मंगल चल रहा था, और कुछ ही सालों में सब कुछ उल्टा पुल्टा। क्या पुरुष इसी तरह परेशान हो जाते हैं? परंतु क्यों? और क्या स्त्रियां इस तरह चली जाती है और वापस नहीं आती? आती है नारद मुनि, आती है, लेकिन तब तो सब कुछ कुशल मंगल होगा प्रभु, और ये तीन फिर से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, है ना? अरे बी पेशेंट नारद मुनि, बी पेशेंट। अभी देखिए आगे क्या होता है। आदमी दोस्तों के साथ वापस शांति, अमन और गंदगी में अपने दिन काट रहा था, किंतु तब भी परेशान था, क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ थी कहीं। देखिए पेडिक्योर,
massage. We'll spend the entire day together. ठीक है? Brilliant idea. I like it. लेकिन नानी एक problem है. अब क्या? वो इंसान है ना वो. वो कैसे भूल सकते हैं? वो मेरा दोस्त. उसके ना नहीं मेरा मतलब उसके पापा के ना पैर में. और आप पिछाए बगैर तो उनकी तबीयत ठीक ही नहीं होगी. Exactly. तो मुझे ना उनको देखने जाना होगा और तुम्हें तो पता है कि वो बिना चाय पिलाए लौटाते नहीं है तो डार्लिंग से ना देर हो जाएगी लेकिन 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 मैं बस यूं गया और यूं आया. जाइए जाइए जरूर जाइए. वैसे भी किसी चीज के लिए आज तक मैंने आपको मना किया है? ज्यादा नहीं 460 बार ही मना किया. क्या और क्या मेरी गलत कमजोर हो रही है? मतलब कॉलेज में कमजोर नहीं थी शायद आपको घर से ज्यादा बाहर टाइम बिताना पसंद है. अरे नहीं डार्लिंग अभी तो मैं बस वो इंसान पापा तबीयत बताया था ना बस वही तो जाना था. आपको आपके दोस्तों के साथ खुशी मिलती है और ये बात अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ. लेकिन डार्लिंग मैंने ऐसा तो अभी कुछ बोला ही नहीं. बोला नहीं पर बोलने का मतलब तो यही था ना. तुम ऐसा क्यों सोचती हो डार्लिंग? सारा दिन बाहर काम करती हूँ घर आके घर की सारे काम संभालती हूँ उसके बाद मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है. एक आधा घंटा आपके साथ बैठ जाती हूँ इसके सिवा मेरी जिंदगी में है ही क्या. और आपको ये भी नहीं पसंद तो जाइए चले जाइए मुझे छोड़ के. तुम्हें तो मालूम है ना मुझसे आंसू नहीं देखे जाते पुष्पा. मेरा नाम पुष्पा नहीं है मैं खुद से पुष्पा था. चारी ये तो सिर्फ एक डायलॉग था. अच्छा तुम कहती हो तो हम नहीं जाते हैं. मेरी वाइफ क्या चीज होती है कोई बात समझ में नहीं आती. जो इंपॉर्टेंट होती है वो समझ में नहीं आती. जो इंपॉर्टेंट नहीं होती उसमें थॉट बार-बार छोड़ जाती है. ए भगवान यार जाने कहां गए वो दिन. वैसे भी ना बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी
बातें होती रहती है सेनोरिटा। नहीं, बिल्कुल नहीं जान। हाँ। अगर तुझसे ये प्यार करती है तो ये पलटेगी, पलट। आए, आए। क्या खराब मैच लिखूंगा मैं, घर भी तो 2020 शुरू हो गई है। अरे यार ये बीवी होती क्या चीज है, समझ में नहीं आता। हे भगवान, अरे रामू फिर छोड़ गया यार अपनी सब्जियां। चप्पल कहाँ है, जूते कहाँ है मेरे? बेबी। हाँ बेबी। कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ वो मेरी फाइल यहीं कहीं पड़ी थी, मिल नहीं रही। जूते चेयर के नीचे है, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा था बेबी, आई मीन वो मानव है ना, वो मानव के पापा के पीठ में, आई मीन पैर, नहीं पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, तो बस उनसे मिलने जा रहा था बेबी। क्यों? अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना। क्यों बेबी? कहाँ जाकर? अरे इंसान के घर। लेकिन अभी तो तुमने मानव के घर बोला था। हाँ वो इंसान को मैं रास्ते में पिकअप करके ले जाऊंगा। क्यों? मानव का घर तो तुम्हारे घर के पास पड़ता है। बीबी वो क्या है ना, इंसान के पैर में लगी हुई है, तो मैंने सोचा उस बेचारे की हेल्प हो जाएगी थोड़ी। लेट मी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, इंसान के और अंकल के दोनों के पैर में चोट आई है, राइट? हाँ बीबी। नहीं बीबी। कौन है वो? कौन कौन है वो? अरे कौन बेबी? अरे वही जिससे मिलने के लिए तुम इतना तैयार होकर सेट डालकर जा रहे हो, कौन है वो? कोई नहीं बेबी, मैं तो बस मानव के घर जा रहा हूँ, आई प्रॉमिस। ओ तो वो तुमसे मिलने मानव के घर आ रही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेबी। मुझे ना पहले ही पता था तुम ऐसे ही निकलोगे, मुझे पता था। प्लीज बेबी डोंट क्राई। अरे यार ये कैसा मान रहे हैं यार, ये बीवी होती क्या चीज है, ना इनके साथ रह सकते हो और ना इनके बगैर। हे भगवान, पागल हो जाऊंगा मैं यार। नारायण नारायण, मुझे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं तो कंफ्यूजन के समुद्र में डूब गया हूँ प्रभु। लेकिन हमें पूर्ण ज्ञान है ये क्या हुआ है, हमने तो सब होते हुए देख ही लिया था, ये तो होना ही था। क्या होना था प्रभु? अरे आप नहीं समझेंगे नारद मुनि, क्योंकि आप तो ठहरे ब्रह्मचारी। हाँ। लेकिन प्रभु कुछ तो समझाइए। ठीक है नारद मुनि, ये है लड्डू। हाँ? शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? यही सत्य है। क्या सत्य है प्रभु? शादी का लड्डू नारद मुनि, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हे भगवान। हमने कुछ आपकी कुर्सी के नीचे रखा है, शायद लड्डू है, हम चाहते हैं कि आप भी उसको खाइए और बताइए आपको वो लड्डू चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू। वाह क्या लड्डू था। I thank you once again, all of you, for your patience, and I hope you enjoyed both the plays. I request Deepa to come on the stage and introduce all the characters now. Deepa, please, most welcome. Big hand for Deepa, please. Thank you so much for being here today and anchoring this event. I thank all of you for being here today, and I do hope that you've enjoyed our effort. It's been quite an interesting journey, and I'm so overwhelmed. So I won't take up more time. Just a really big thank you to all of you, to all our technicians, to Siri Fort, to everyone here who's helped us. And a massive thank you to our families jinhone hame bardasht kiya. And last of all but most of all, my wonderful crew. Come here you guys,
So I have here Iti. We call her wife one. Meetu, wife two. Bhavesh, Insan. Malav, that's Anurag and Bhavani Baba. And there we have our youngest member of the crew, our baby, but our very, very important person, Karan. That was Adam. That's Shelly there as wife three. Oh, my God. So here we have Narad Muni, that is Krishna. And then we have Lord Indra, Bhagwanji, that is Vishal, who's also my co-director in both the plays. And in a lot of ways, I would say my mentor, who is a tough one to please when it comes to my scripts. Thank you. Guys, take a bow. That was excellent. Love you guys. Now I'll call my girls and a very, very important person there, the only man who was there in the play for a very long time. Here's Aparna, App. That's Shalu, my wonderful Shalu, who acted as Darsha Bhatt. Mr. Parikshit Barman, thank you again for bringing it out. That's Rashmi, guys, our senior boss. She is NSG repertoire and we are so honored that she is a part of our group. So Rashmi was Santosh, of course. Oh, Commissioner Ji ki wife. That is KJ. Kajala. She is our art director. She's taken care of everything that you see on the stage. A little bit. I have no words actually. Every little bit that she's done, this, I'm just speechless. There comes Pallo, your Royal Highness. Pallavi. That's Monica. And I have a little something to share if you don't mind. She lost her father just a couple of weeks ago. And she was back in rehearsal, braving it out, braving, you know, her tears out. And I have no words. That was something. That's Nehal, Sonia. And there is Bishakha. Oh. Once again, the inimitable Bhavani Baba, that's Anurag. Thank you, my wonderful crew. I have no words for this lovely audience that we've had despite all the challenges of a weekday. I know Friday is tough. And it's a Friday, which is going to be the last working day before a long break for a lot of people. Thank you once again for being here. Wonderful. Thank you. Hooray! 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 Thank you so much, everybody. Thank you so much. I'll be playing a doodle.